भिंडी फ्राई बनाने के लिए पहले भिंडी को कट करके लेंगे। भिंडी हमारी काट के हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई करके लेंगे तेल में। अब हम ऑयल गरम कर रहे हैं, उसके बाद इसमें हम भिंडी डालेंगे फ्राई होने के लिए। ऑयल जो है पहले अच्छे से गरम होने देंगे, उसके बाद डालेंगे ये। अब हम इसमें भिंडी फ्राई कर रहे हैं। ऑयल में भिंडी को अच्छे से फ्राई करना है, तो कच्चा नहीं रहना चाहिए। हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसको झारे में थोड़ी देर तक रखना है कि इसमें जो ऑयल होता है वो पूरा निकल जाए। अब हम इसमें प्याज डालने वाले, प्याज को कटिंग कर लेना है पहले। अब हम कटिंग करेंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करने वाले, हरी मिर्च को कटिंग करके लेंगे। उसके पास प्याज की कटिंग होगी, प्याज भी जाएगा इसमें। भिंडी फ्राई बनाने के लिए हमने लिया है भिंडी, इसके बाद हरी मिर्च, सिंगदाना, लहसुन और प्याज। अब हम इसमें पहले डाल दिया हरी मिर्च, उसके बाद इसमें जाएगा प्याज, लहसुन, कटा हुआ लहसुन लेना है, इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें सिंगदाना डालेंगे, आप चाहे तो सिंगदाना थोड़ा सा पीस के भी डाल सकते हैं।
बड़ा चाहिए तो बड़ा भी रख सकते हैं। इसमें हल्दी डाल दिया है, अब हमने इसमें ग्रेवी ऐड कर दी है। इसके बाद जाएगा नमक, कसूरी मेथी और धनिया। और हमारी भिंडी फ्राई तैयार हो चुकी है। अब भी इस तरीके से भिंडी फ्राई घर पर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।